वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना की एंट्री के एक साल पूरे होने पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेशवासियों के नाम एक वीडियो संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि एक साल में प्रदेश में कोरोना का संक्रमण करीब 3,20,000 पहुंच गया है। सरकार संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हम दुआ करते हैं कि बढ़ते संक्रमण को रोका जाए और इसको आगे ये नहीं बढ़े, इस पर काबू पाने की पूरी कोशिश है। 18 मार्च 2020 को छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला प्रकरण जांच में पॉजिटिव पाया गया था और इस एक साल के सफ़र में छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ हुआ, नुकसान हुए, हमारे अनेकों नागरिकों की इसमें जान भी गई, 3,915 बल्कि लोगों की मृत्यु इस दरमियान में हुई है। और जहां पहला केस 18 मार्च 2020 को आया था सामने, आज 3,19,717 लोग, 3,19,000 करीब 3,20,000 लोग संक्रमित जांच में पाए जा चुके हैं। और मत फैले कोविड का कहर, कोविड का प्रभाव, ये हमारे लिए चुनौती है। इस बीच में हमने बहुत सारे कामों के मौक़ों को खोया, बहुत सारे त्योहारों में, कार्यक्रमों में, जीने में, मरने में हम एक दूसरे के साथ शरीक नहीं हो सके। स्कूल की पढ़ाई प्रभावित हुई, कॉलेज की पढ़ाई प्रभावित थी, इम्तिहानों में इसका विपरीत प्रभाव पड़ा, कठिन परिस्थितियों में कार्य हुए, दैनिक कार्यों में भी दिक्कत गई, और बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के लोग एक साथ खड़े रहे, उन्होंने एहतियात बरती, कोरोना के साथ इस एक साल में हमने जीने की सीख हासिल करने की पूरी कोशिश की है। और ये एक साल का अनुभव हमको आने वाले समय में भी निश्चित रूप से काम आएगा।